या तो हर चीज तय कर रहे हैं सरकार, हर चीज मोदी तय कर रहे हैं, क्या खाना गोवा में आप खाइए, वहां पे है यम्मी, बाकी दूसरी जगह पे मम्मी। कल हमारी बहन बेटी तो घर से पहन कर गई थी हिजाब, वो लोग कौन थे जो बाहर से लाए थे भगवा कलर का पगड़ी, और वो जो हमारे पास वीडियो है जो बता रहा है कि फेंक रहे फेंक। नहीं नहीं, ये आपकी नफरत जो आप लोग नफरत फैला रहे हैं ना पूरे देश में, इस डंडे पे अंजना जी हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा लगना चाहिए था उस डंडे पे। कल ये बोल लिया तो जवाब भी सुन लेना। फैसला एक इंस्टीट्यूट लेता है, उनको बच्चों के कपड़े में यूनिफॉर्मिटी चाहिए, तो इसको कैसे आप महिलाओं के अधिकार से जोड़ देते हैं, इसको आप कैसे हिजाब पहनने के अधिकार से जोड़ देते हैं, बिकिनी पहनने के अधिकार से जोड़ देते हैं, जींस पहनने के अधिकार से जोड़ देते हैं। आदरणीय अंजना जी, देखिए हमने कहीं कुछ नहीं जोड़ा, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने नजर आई, जबकि अभी मुख्तार जी कह रहे थे, आदरणीय मुख्तार अब्बास जी ने बोला कि ये वही हिंदुस्तान है जहाँ एक तरफ देखिए जय श्री राम बोल रहे हैं, एक तरफ अल्लाह हू अकबर, तो वो जय श्री राम जो बोला जा रहा है वो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए नहीं, वो सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद की तरफ इशारा करता है, वो जिस तरह से जय श्री राम बोलकर लड़की को परेशान किया जा रहा है। तो मुझे तो लगता है 5 राज्यों में चुनाव को आते देखकर और जाति और धर्म को कैसे धंधा बनाया जाए, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, महिला उत्पीड़न के मुद्दे, जो बुनियादी समस्याएं हैं वो सामने ना आए, उनको दबाने के लिए ये कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 का 133 धारा को इन्होंने अभी क्यों लागू किया। और अगर आपने किया तो हम कह रहे हैं साधना जी, इस पर पहला ट्वीट राहुल गांधी का ही आया। मैडम, इस पर पहला ट्वीट राहुल गांधी का आया, इसको पॉलिटिकल तो कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे ना कि कौन क्या पहने और कौन क्या ना पहने, हम तो ये कह रहे हैं कि इस पर कोई भी सत्ता, आपने कहा ना सहयोग है कि प्रयोग है, ना ये सहयोग है ना ये जो प्रयोग है। कर्नाटक का हिजाब मामला है, उसमें अंतरिम ऑर्डर देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। जस्टिस कृष्ण दीक्षित की टिप्पणी है, जब मैं पढ़ता था तो क्लास का रंग एक था, बोले मामला महत्वपूर्ण है, बड़ी बेंच को उन्होंने सौंपा है। ये क्या संकेत देता है यूनिफॉर्म का, यही कॉन्सेप्ट, उसको यूनिफॉर्म इसीलिए कहा जाता है कि देखिए बेटर बॉडी सभी स्टूडेंट्स, वरना तो कोई बमड़ा पहनकर आ जाए, कोई कुछ और पहनकर आ जाए, कोई हवाई चप्पल में आ जाए, यूनिफॉर्म का बड़ा ही अर्थ है सर। आपको पता है स्कूल्स में अगर यूनिफॉर्म में आपकी बेल्ट भी गड़बड़ हो, नहीं पहनी हो, तो फाइन लगाता है स्कूल। इस हद तक यूनिफॉर्म को स्ट्रिक्टली स्कूल्स में लागू किया जाता है। देखिए अंजना जी, अभी तो हाईकोर्ट ने बड़े बेंच को रिफर कर दिया है। सबसे पहले मैं बताऊं, जो कर्नाटका का बीजेपी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आर्टिकल 14, 15, 19, 21 और 25 का क्लियर कट वायलेशन है। ये पुट्टुस्वामी जजमेंट का वायलेशन है, जो चॉइस ऑफ फ्रीडम बताता है। अब इतने बरसों से वहाँ पे हिजाब पहने जा रही थी हमारी बहनें, क्यों अचानक से ये आ गया, कौन थे वो कल जो लोग आए, मैंने मुस्कान जो लड़की है उसके साथ हुआ, मैंने उनका एक ट्वीट भी किया है, क्लिप जो दिखा रहा है कि पगड़ियाँ उन लोग फेंक रहे हैं, मुस्कान ने कहा है कि उसमें 10% सिर्फ हमारी कॉलेज के थे, बाकी सब बाहर के थे, तो कौन ये गुंडे थे, कहाँ से आए, एक लड़की को इस तरह से उन्होंने सताया। लेकिन कल मुस्कान जो हमारी एक देश की बहादुर बेटी है, उसने साबित कर दिया कि मैं फ्लावर नहीं फायर हूं, झुकेंगे डरेंगे नहीं, संविधान में रहेंगे, अपनी बात करेंगे, और तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा के बहादुरी के साथ चले गए वहां से। मगर किसने रेडिकलाइज किया था उन लड़कों को जो आए थे मुस्कान के वहां? और मैं पूछना चाहता हूं, शहजाद पुनावाला ने कहा कि कुरान में कहां जिक्र है, आप जाके चैप्टर 24 सूरह नू चेक कर लीजिए, नूर में वहां पर जिक्र है, सूरह अजाब को चेक कर लिए, वहां पर जिक्र है कि किस तरह से हमको हमारी चेस्टिटी प्योरिटी को संभालना है, चाहे आदमी वो अपनी नजर की पाबंदी करे, औरत तो अपने जिस्म की पाबंदी करे, अपनी चेस्टिटी की पाबंदी करे, जिक्र है उसमें, आप पढ़ते नहीं आ जाते। अब बात नंबर 2 अंजना जी, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, एक ट्रिपल तलाक के टाइम कहा था कि मुसलमान मेरी बहन है, तो आज एक बहन को दिन दहाड़े कॉलेज में कुछ गुंडे घुसकर इस तरह से उसके साथ बदतमीजी करते हैं, नारे लगाते हैं, तब मोदी जी खामोश है। मुझे बताइए कोई भी एक भाजपा के लीडर का इसके ऊपर खंडन करता हुआ बयान आया है? नहीं आया है बयान। अब बात नंबर 2, अगर मेरा फ्रीडम ऑफ चॉइस है तो मोदी जी तो डिसाइड नहीं करेंगे कि वारिस पठान को क्या पहनना क्या खाना, या हमारी देश की बेटियों को क्या पहनना क्या खाना, कब शादी करना, कौन सी एज में शादी करना। अगर यही सब चला तो हमारा देश तो अंजना जी संविधान पे चलता है, हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं, कायदे कानून का पालन करते हैं, और केरला हाईकोर्ट के भी जजमेंट है क्यों, किस वजह से पठान जी, मिस्टर पठान
ये तो हर मुल्क में शादी के लिए उम्र तय की जाती है ना, शादी के लिए, वोटिंग के लिए तय तो की जाती है उम्र। नहीं नहीं, या तो हर चीज तय कर रहे हैं सरकार, हर चीज मोदी तय कर रहे हैं, क्या खाना गोवा में आप खाइए, वहां पे है यम्मी, बाकी दूसरी जगह पे मम्मी, यहाँ कर यहाँ पे भी आपने कर दिया हिजाब के ऊपर, कल तो आप बोल देंगे वारिस पठान, शहजाद पूनावाला जी उनका आरोप है तो मोदी की कि आप लोगों की थाली में क्या होगा, उनके कपड़े क्या होंगे, सब अपने हाथ में लेना चाहते हैं, फंडामेंटल राइट सब कंट्रोल करना चाहते हैं। हमारे ठीक है, देखिए मैंने उनकी बात सुनी, हाँ देखिए मैंने उनकी बात सुनी, पहले तो मैं तथ्य और तर्क दोनों आपको बता दूं। अंजना जी एक एक करके बात रखेंगे तो जनता को समझ में भी आएगी, आप भी रिमोट लोकेशन पर एक एक करके बात रखते हैं। हाँ देखिए, पहले तो अंजना जी, अगस्त 2021 में इन तमाम लड़कियों ने, उनके पेरेंट्स ने अंडरटेकिंग साइन किया था, जो अंडरटेकिंग वो 133(2) रूल के तहत किया गया था कि यूनिफॉर्म और जो ड्रेस कोड है वो स्कूल की या कॉलेज की कमेटी प्रिस्क्राइब करेगी। दिसंबर 2021 तक किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, दिसंबर 2021 में ये हिजाब क्लासरूम में, जो महिलाओं की, गर्ल्स की क्लासरूम में क्लास चलते समय पहनने का ये विवाद शुरू हुआ और उसके बाद ये क्लैरिफिकेशन फिर से जारी करना पड़ा कि ये ड्रेस कोड है, ये यूनिफॉर्म है। किसने रोका है किसी भी महिला को जीन्स जो भी उनको पहनना है, हिजाब निकाब जो भी उनको पहनना है, अगर धार्मिक स्थल जाना है, कहीं पर जाना है, स्कूल में भी आना है, तो किसी ने कोई रोक नहीं लगाई है। परंतु हाँ, जब एक शैक्षणिक स्थान के अंदर, एक क्लासरूम के अंदर अगर ये बात की जाएगी कि एक जो एसेंशियल हिस्सा नहीं है इस्लाम का, और जो इन्होंने जिक्र किया सूरह 24 का, उस सूरह 24 में हिजाब की जो परिकल्पना है वो तो आंखों के हिजाब की बात करती है, और ये इसमें चॉइस कहां बचा महिलाओं के लिए? अगर इसमें महिलाओं के लिए चॉइस बचा है तो मुझे वारिस पठान बता दे कि क्या अगर कोई मदरसे में कोई मुस्लिम लड़की जींस पहनना चाहेगी या मिनी स्कर्ट पहनकर जाना चाहेगी तो वारिस पठान अलाउ करेंगे? वो अभी तुरंत बोल दे कि मैं अलाउ करता हूं कि अगर वो मदरसे में इस प्रकार के कपड़े पहनकर जाना चाहेगी, तो बता दीजिए अगर ये चॉइस का मामला है। और जहां तक चॉइस का मामला है, चॉइस से तो महिलाएं, कुछ महिलाएं सती भी करना चाह रही थी, तो अंजना जी क्या इसका मतलब यह है कि हम सती को भी जायज ठहराए, हमने सती पर प्रतिबंध लगाया ना? और जहां तक सवाल है, ये कहते हैं कि बार बार केरला हाईकोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट 2015 का ऑर्डर क्यों नहीं पढ़ते जिसमें नॉन एसेंशियल बताया गया हिजाब को, क्यों आप मुंबई के हाई कोर्ट का हो या बाकी के कोर्ट्स का ऑर्डर है वो क्यों नहीं पढ़ते, और केरला की सरकार ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट पर हिजाब को मना किया, तो तब आपका आक्रोश क्यों नहीं आया? तब आपका नहीं, मैं बोलूं अभी, अच्छा अच्छा मैं भी जवाब देना चाहता हूं शहजाद पूनावाला की बात का यूनिफॉर्म के ऊपर। एक हो गया शहजाद भाई, हो गया ठीक है। शहजाद साहब की जब बातों का जवाब, मेरी बात का जवाब, वो मेरे भी दोस्त काफी है सरदार जी, आपके भी काफी दोस्त है सरदार जी, बच्चियों को पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर बच्चियां वहां पढ़ती हैं क्या वहां पर आप उनको इजाजत देंगे अपने मन के कपड़े पहनने के? हाँ, चॉइस ऑफ फ्रीडम संविधान का फंडामेंटल एक राइट है, पुट्टू स्वामी जजमेंट में बताया गया है। बात नंबर दो, शहजाद पूनावाला जी, मेरे भी काफी सरदार जी दोस्त है, आपके भी सरदार दोस्त होंगे, मैं देखता हूँ उनके भी बच्चे, उनके भी बेटे कॉलेज और स्कूल में जाते हैं तो फेटा मारते हैं, पगड़ी बांधते हैं, मुझे तो अच्छा लगता है, पहनिए, आपके रिलीजन के अंदर है तो जब अलाउड है। और हमारी बहन बेटी अगर हिजाब पहनकर घर से जाए तो अलाउड नहीं है? कल हमारी बहन बेटी तो घर से पहनकर गई थी हिजाब, वो लोग कौन थे जो बाहर से लाए थे भगवा कलर का पगड़ी, और वो जो हमारे पास वीडियो है जो बता रहा है कि फेंक रहे फेंक, नहीं नहीं, ये आपकी नफरत, जो आप लोग नफरत फैला रहे हैं ना पूरे देश में, इसका जवाब आपको पब्लिक देगी। ये नफरत खत्म करिए, हमारा देश प्लुरिज्म की दुआई देता है, गंगा जमुना सरस्वती की तहजीब की बात करते हैं, और इस तरह से डिवाइड करना, आपने क्लासरूम की बात करी, वहाँ प्रिंसिपल ने बोल दिया कि जो हिजाब पहन के आएगा उसको सेपरेट क्लासरूम में दिया जाएगा, क्यों डिस्क्रिमिनेशन? इक्वालिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन किस लिए आप करना चाहते हो? सुनिए मेरी बात को, मैंने आपको बात का जवाब दिया, 10 सेकंड दे दीजिए, मुझे बताइए। हाँ अंजना जी, देखिए जब सवाल विकल्पों के बारे में पूछा, एक सेकंड अंजना जी, देखिए उनको बोलिए डिस्टर्ब मत करिए, एक एक करके जा रहे थे, ये वकील भी है, उन्होंने अपना तर्क रखा, मुझे तर्क रखने, क्यों अभी आप ऑब्जेक्शन ले रहे हो? अंजना जी प्लीज, रोकना पड़ेगा, पोलराइज करने के लिए क्यों राजनीति की जा रही है? अंजना जी मैं अपनी बात रख, जिस डंडे पे अंजना जी हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा लगना चाहिए था उस डंडे पे, कल ये बोल लिया तो जवाब भी सुनिए ना, आपको आपत्ति है या नहीं? मुझे अपनी बात नहीं कहने दे रहे, इससे कहीं कुछ साबित हो रहा है इस प्रकार की डिबेट करता नहीं हूँ, मेरे पास ना वो मेरे पास इस प्रकार की शक्तियाँ है, मैं भी नहीं करता, जवाब तो सुनेंगे ना वारिस पठान साहब, आपको मौका मिला, मुझे भी मौका मिलना चाहिए बोलने का। हाँ तो लगातार मत बोलिए ना वारिस साहब, आवाज नीचे कर दीजिए, ठीक है? शहजाद पूनावाला बोलिए, आवाज नीचे, चलिए
अब मुझे बताइए, मुझे देखिए दो तर्क हैं, दो बातें हैं। एक तो आपने उनको जब पूछा कि अगर ये विकल्पों की ही बात कर रहे हैं कि महिलाओं के पास विकल्प होना चाहिए, तो मदरसे में महिला के पास विकल्प क्यों ना हो कि वो कौन सा भी जो अपना कपड़ा पहनकर जाना चाहती है, जीन्स पहनना चाहती है, शॉर्ट कट पहनना चाहती है, वहाँ पे क्यों ये अलाउ ना हो जो इनका ये इतना बड़ा उसूल है कि महिलाओं की चॉइस होनी चाहिए। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो इन्होंने बात की केश किरपान, ये सारी चीजें सिख धर्म में पांच केस एसेंशियल माने गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा। हिजाब को इसके साथ कंपेयर करना ये बेईमानी है, क्योंकि हिजाब को एसेंशियल नहीं माना गया है। जो इस्लाम का एसेंशियल है, इस्लाम का एसेंशियल नमाज है, शहादा है, सोम है, मतलब फास्टिंग है, ये इस्लाम के एसेंशियल्स है, इसको कोई नहीं छीन रहा। और आपके हिजाब पहनने का अधिकार आपको मस्जिद में पहनना है, स्कूल तक पहनना है, कहीं जवाहर जा रहे वहां पर पहनना है, किसने रोका है भाई? आप हिजाब भी पहनिए, आप अपना धर्म अपनाइए, परंतु क्लासरूम के अंदर जो आपने अंडरस्टेकिंग साइन करके दी है कि हम यूनिफॉर्म को फॉलो करेंगे, दिसंबर 2021 तक फॉलो कर रहे थे, अब क्योंकि आपको कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, कांग्रेस पार्टी, इन लोगों ने भड़काया है अपनी राजनीति सीधी करने के लिए, तो उसको नहीं मानेंगे। और अगर आप मानना चाहते हैं तो भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक के खिलाफ विकल्प दिया था, उसको क्यों नहीं मानते आप? सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानू जैसी महिलाओं को मेंटेनेंस का विकल्प दिया था, उसको क्यों नहीं मानते आप? वो विकल्प नहीं था क्या? विकल्प संविधान ने अधिकार दिया है, हम संविधान के दायरे में रहकर वक्त की कमी है, हमें बहस का अंत करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि स्कूल जाते वक्त आप और हम, पूरा देश, जितने भी लोग जाते हैं, सब अपना जूता पॉलिश करते हैं, यूनिफॉर्म आयन करते हैं, एक तय यूनिफॉर्म होता है, बेल्ट तक पहननी होती है आपको, स्कूल के डिसिप्लिन अनुशासन के हिसाब से जाना पड़ता है। और ये इसका मकसद यही होता है कि सभी बच्चे समान दिखे और उस हिसाब से पढ़ाई हो। अब ऐसे में क्या इजाजत होनी चाहिए हिजाब की, नहीं होना चाहिए? लेकिन ये मुद्दा आम आदमी के लिए खुले उससे पहले सियासी बवाल होता है। क्यों? क्योंकि कल यूपी में मतदान है।